अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ जुनैर अशरफ। जनाब वाला, जैसा कि लास्ट कुछ वीडियोस में आपको बताया गया कि सेल परचेज का छोटा सा एक सेटअप शुरू की है, तो इंशाल्लाह हर मतलब कि जिस दिन वीडियो अपलोड की जाएगी उससे दूसरे तीसरे दिन बाद डेली बेसिस पे आपको माल दिखाया जाएगा। उसमें बकरियाँ भी होंगी, कुर्बानी वाले बकरे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एट द टाइम तकरीबन 10 से 15 मौजूद हैं। फिर जो नेक्स्ट कुर्बानी पे लगने हैं, अनुपाना थले का रखे नहीं करना, वो बच्चे भी तकरीबन 3 से 4 मंथ वाले भी मौजूद हैं, 5 से 7 हैं। उसके बाद छोटे बच्चे हैं, सिर्फ वो बच्चा सेल आउट कर रहे हैं जो 1.5 माह तक हो या थोड़ा बहुत ना चारा खा लेता हो, सही है। तो आज की वीडियो में जो बेसिकली 3 बकरियाँ, 7 ये एक बच्चा है, ये ऐड किया गया, इसकी एक स्पेशल वजह है, वो भी आपको वीडियो के दौरान बताऊँगा। नंबर ऐड कर देता हूँ स्टार्ट में, ठीक है, और स्क्रीन पर आ जाएगा, आप ले सकते हैं। इन बकरियों की डिटेल्स भी दूंगा, प्रेग्नेंट है, खाली है, क्या सीन है। बाकी अभी 4 जानवर हैं, लेकिन टोटल हमारे पास इस वक्त 10 से 15 कुर्बानी के बकरे हैं। बाकी और भी माल है, वो इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम आपको दिखाया जाएगा, ठीक है जी। तो चलें जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा हसन भाई, बकरी की डिटेल देनी है जी। ए जड़ी बकरी पकड़ी हुई तुसी जी, पहले इनका मुँह खोलो, कितने दंद है? पूरी बकरी नहीं, हिला के दांत ये चेक कर सकते हैं जी, फुल टाइट है, दांत हैं, पूरी जवान है, फुल है। और ये हमारी खुद की खरीद है, खरीद गांव से ही है। और अच्छा, ये आपने कॉल क्योंकि क्रॉस ओनली आंदी रही है ना, कितनी दफा तकरीबन बच्चे दे चुकी है? ये अपने को तो नहीं हुई, अगले मालकों को, अगले मालकों को हुई, वे तो हो गया, 1.5 माह क्रॉस हुई, हुन क्रॉस हुई, 1.5 महीना हो चुके हैं, क्रॉस भी अपने बकरे को हुई है। मैं दिखा दूं जी, ये चेक कर सकते हैं जी। और इसकी जो स्पेशल चीज़ दिखाने की ये है ना, इसकी ये आप चेक कर सकती हैं विद चुड़ाई, माशाल्लाह। अब चीज़ अपनी है, इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन इसकी चुड़ाई अच्छी है। और बकरी की आप हाइट की अगर बात करेंगे ना, तो ये आप देख सकते हैं पीछे से, ठीक है। इसके नीचे दूध की जो कैपेसिटी या क्वान्टिटी इतनी सी है, तकरीबन दूध ख़त्म कर रही है। और अब्बा जी होते तो वो कंफर्म भी कर देते कि कंफर्म गबन है नहीं है, ठीक है। ए पूरे 24 घंटे का दूध है? हाँ जी, पूरे 24 घंटे सही है। अच्छा जरा इधर तोड़ो, बस बस ठीक है, माशाल्लाह। ए भी दसो है, टांग ते की मसला है? ऐ जी ओ कहंदे ने मकई बाहर होंदी ना, उना दे खर्चे होंदे ने, हां वो लग गया इंदे, खर्चा लग गया। ए जरा चेक कराओ जिथे भी लग गया। अच्छा ए, 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 सही हो गया, सही हो गया। ये जी नाखून इसका ना, बकरियां चराई के लिए जाती हैं, तो उस पे मकई कल, हाँ कोई चक्कर नहीं, लग जाए चाकू ना, सही है। अच्छा ठीक है तेरे भाई, क्रॉस हुई नु तकरीबन 1.5 महीना हो चुके हैं, डिमांड इनकी अपा दोस्तों ने इदा ही करेंगे, कल तो जरा रबता करेगा जी, सही है। इन्हें कितने के चांसेस ने गब्बर निकलन दे? इंदे आवे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे आवे, 50-50 मतलब 50-50 है हजे इंशाल्लाह। दूध आगे ज्यादा दे रही सी या हुन? आगे ज्यादा दे रही सी, हुन घटा गई, काम कर गई, काम कर गई। चलें जी, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। क्रॉस है जी 1.5 महीने की, बाकी ये बकरी है, पांव का इसका जो फॉल्ट फूल नहीं है वो इंशाल्लाह आज जी काचू या चाकू के साथ ये उतार देंगे ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है सर। इन छोड़ो छोड़ो, हाइट वाइज ये चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह। जैसी भी है जी आपके सामने, बिला वजह की तारीफ नहीं की जाएगी। ऐ चीज दिखाओ, इन्हें बारे दसो, पकड़ो इनू, डरी जा रहे हो, दंद खोलो, इन्हें पहला दंद खोलो, दंद खोलो, पूरी है जी। ये भी चेक कर लें, इसके भी जरा भी नहीं हिलते, जिस बकरी के दांत हिलते होते हैं वो थोड़ी सी ओल्ड एज में होती है, ज्यादा एज में। ये छैनी के नाम दा, छैनी इनका नाम है, छैनी इसका नेम है जी। और ये जी तकरीबन कितना का दूध दे रही है भी दसो? 1.5 केजी जी, 1.5 केजी दूध दे रही है जी एक दिन का। और इसकी मैं वीडियो भी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, परन तोरिया जी, परन तोरिया जी, ये चीज़ है, सही है। हाइट इसकी उस बकरी के हिसाब से कम है, लेकिन मिल्किंग वाली अगर दूध वाली किसी दोस्त को चाहिए तो ये जी बेहतरीन चीज़ है, हवाना आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि खुद आपको काफ़ी पहचान हो चुकी है अभी तक तो। अच्छा दसो, 24 घंटे का दूध तकरीबन 1.5 केजी, थोड़ा जहा थले हो सकता, थोड़ा जहा उत्ते जा सकता, अपने को दे रही है जी।
अपनी खुराक की है बकरियां दी? खुराक अपनी है ये बाहर दी चराई ते दाने दोनों मकई दे लब दे बस बाहर दी चराई ते है। अगर एक कार स्टॉल फीडिंग ते आवे तो कोई पाई आधा किलो दा फर्क पाएगी जी? फिर ते देगी खुराक दी सिर ते दे सकदी 2-2.5 लीटर नहीं 2.5 ते नहीं जानी है तो मेनू पता है कि 2 तक शायद आ ओके गलत गल नहीं करनी सही है। अच्छा कुछ दोस्त मैनू कह रहे होंगे कि सानू दूध वाली बकरी चाहिए है नाल कोई बच्चा भी चलो मिल जाए ताकि साड़ी हो के बच्चा भी बनता रहे इस वजह तो मैं बच्चा ऐड किया है। इन्हें बारे दसो इनकी एज कितनी है तो जरा इधर भी तोरो ना अभी ये चेक कर सकते हैं। चारे पे हमने लगा दिया होता है जब 20 डेज के होते हैं ना तो इनको बंडा शंडा शुरू करवा देते हैं। हाँ जी दोस्तों प्यारे भाई इनकी एज दसो कितनी होएगी? 1.5 माह जी इसकी एज है और इससे 5 दिन नीचे आ सकता है 5 ऊपर जा सकता है क्योंकि हमारे पास ये बच्चे तब आए थे जब हमने ये फार्म की कंस्ट्रक्शन फार्म तो नहीं मतलब कि वाड़े की कंस्ट्रक्शन शुरू की थी तो उसकी वीडियो भी आप चैनल के जाके देखेंगे ना तो उसके हिसाब से आप डेट का एस्टीमेट लगा सकते हैं। अच्छा इन्हें दसो कि हूँ खाखू या दाना शाना हर चीज़ पत्र शतर दाने दोनों खाता है दूध भी पींदा माशाल्लाह। कितना दूध ले जाता एक दिन का? 2 लीटर ही समझ लो पींदा मतलब कि अपने तो गल है जितना दे सकी छोड़ो जरा ये चेक कर सकते हैं जी ठीक है। बाकी अभी चीज़ें सेल वाली हैं तो मैं बिला वजह इन पर माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं कहूँगा लेकिन चीज़ें आपके सामने हैं। ये भी चेक कर सकते हैं फुल एक्टिव है बकरी भी और क्रॉस्ड है इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज अब ये प्रेग्नेंट अगर निकल आती है हमारे पास तो इसके रेट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे अदरवाइज अच्छी पीक हो सकती है कि दोस्त करना चाहिए। अच्छा काली बकरी बारे दसो है कमज़ोर भी काफ़ी है मेरे हिसाब से अगर बकरियों की गल करिए ना जी अपने फील्ड के बंदे ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं वो हैगी है वेटर वाली वो हैगी है आम बंदे वाली मतलब कि अच्छे दुध देगी गुजारा अच्छा करेगी ए भी उदा दी है कोई एड्डी नायाब कोई नहीं है लेकिन अपनी फील्ड से ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कान माशाल्लाह चेक करो ठीक है दंद खोलो ना जरा हट जा पूरी 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 6 दंद नहीं 8 दंद है जी पूरे इसके और ये चेक करें मतलब कि फुल हार्ड है हिलते नहीं है जरा भी कानों की लेंथ इसकी ये चेक करें माशाल्लाह बहुत हैवी है जिसम इसका बारीक है सही है ये चेक कर सकते हैं और कमजोर भी हमारे पास थोड़ी सी लेकिन अच्छा असन भाई जो आप खरीदी सी उदो की हालत इनकी ठीक सी या हूं ठीक है? नहीं हूं ठीक है ठीक है अपन झाड़ गया वे नवी लुई हां न्यू हेयर्स आए हैं जी इसके न्यू उदो ते माड़े ही आया ना दूसरे बाल जड़े हुंदे ने बड़े बड़े थोड़े झाड़ जांदी जड़ी मतलब कि हुन एक्टिव हेल्थी है फुल। अच्छा वो भी क्रॉस होई दी गारंटी है दूसरी दी मेरे को वीडियो भी पई लाल बकरी क्रॉस होई दी हां इंदे बारे दसो ये क्रॉस होई है जी कच पक क्रॉस है कच पक है इंदे बारे आप कुछ कह नहीं सकदे इंदे दूध कितना खाया एक दिन दा दो दिन थले आ 1.5 किलो हां 1.5 केजी है जी इसके पास भी बिकॉज़ इसका ये जो थन है ना इसके ऊपर हल्की सी जो रसोली होती है वो बनी है इसका कोई हाँ फॉल्ट तो नहीं है क्योंकि हमने ठीक कर ही लेनी अगले सुबह भी ठीक हो जाएगी अगर हूँ एक दफा खत्म हो जाएगी ना फिर भी इंशाल्लाह चल हाँ जी लेकिन दोवां थाना चो ही आंदा है सही है जी चौके की दिखाना बस ठीक है अपना चोन वाला काम ही नहीं करना बस ठीक है ठीक है ठीक है थले ना डोलो सही हो गया सही हो गया ओ पकड़ो बकरी ओनू पकड़ो। अच्छा जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ना फर्स्ट वीडियो तो इतना इलम नहीं है रेट्स बताने चाहिए नहीं बताने चाहिए लेकिन हमारी अपनी खरीद है तो जस्ट 2 से 3 थाउजेंड तक 1000 तक इंशाल्लाह अपनी रोज़ी रखनी रखनी क्योंकि हमें लाने में भी इन पे कुछ खर्च आता है उसके बाद खुद केयर भी करनी पड़ती है तो इंशाल्लाह जो दोस्त रब्ता करेंगे उनको ये चीज़ें ज़्यादा सौदेबाजी नहीं होगी दे दी जाएंगी क्योंकि हमारा स्टार्ट है। बाकी आज की वीडियो जी एंड करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कुर्बानी वाले बकरे परसों वीडियो आएगी उसमें वो चेक करवाएंगे ताकि सीज़न है तो वो भी आप दोस्तों को दिखाया जाए ठीक है जी। आज की वीडियो एंड करते हैं जी मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।